हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आज मैं मेरे दिन की शुरुआत कुछ पूरी कंप्लीट रेडी होके आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जल्दी से शॉप पे जाना है। आज हमारे दोनों शॉप पर स्टाफ की कमी है, तो जल्दी जाके सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और अभी टाइम भी हो रहा है, 8:30 हो रही है, तो अभी जल्दी से मैं मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म करके शॉप पर चली जाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज ले रही हूँ एप्पल, ब्राउन ब्रेड, मेरी कॉफ़ी, और ये कुछ पार्सल हैं जो मुझे डिस्पैच करने हैं, इसलिए मैं आज घर ही ले आई थी पैक करने के लिए। तो अभी इनको भी फटाफट से पैक करके डिस्पैच पे लगा देंगे। मैं शॉप पर आ चुकी हूँ और अभी हो रहा है क्लीनिंग वगैरह का काम। ज्योति और भाई जी आ गए हैं, तो ज्योति तो थोड़ा सलोन में सब प्रिपेयर कर रही है अच्छे से। ये सब भाई जी इधर उधर झाड़ू वाड़ू सब कंप्लीट लगा रहे हैं। शॉप में भी क्लीनिंग बाकी है, तो शॉप में भी अभी हो जाएगी। मेरे चैनल के ऊपर मेरी शॉप का पूरा टूर दे रखा है, आप उसको चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैंने हमारी शॉप में जो जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया हुआ है। आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसकी बेनिफिट्स बताने का ज़रूर ट्राई करूंगी। जितना कवर कर पाऊंगी इस प्रोडक्ट के बारे में उतना करूंगी, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो क्या, जो पूछना है पूछ सकते हो आप तो कमेंट सेक्शन में। अभी बज रही है 7 और मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई आज, क्या पता। शॉप पर जैसे ही गई, थोड़ी देर बैठी, एकदम नॉर्मल था, फिर बैठे बैठे एकदम कमर में इतना ज़बरदस्त का पेन आना चालू हो गया। पेन की वजह से ना मैं बैठ पा रही थी, ना उठ पा रही थी, ना कुछ भी नहीं, चल भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने आज पूरी दोपहर रेस्ट किया है और अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैं आज पूरे दिन में कुछ भी शूट नहीं कर पाई आप लोगों के लिए। अब मैं ट्राई करूँगी अगर कुछ शॉर्ट भी शूट कर पाऊँ इस व्लॉग के लिए। तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए खाना आज मम्मी ने बनाया है, और मम्मी ने बनाया है आज परवल की सब्जी और पराठे बनाए। तो खाना भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। क्या पता ऐसा क्या हो गया कमर में, खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा आज सोच रही हूँ कि पानी का सेक करती हूँ, उससे थोड़ा सही हो जाए। मैं खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। खाना अभी जस्ट ख़त्म किया है और अब पानी पी लेती हूँ। खाना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी 8:30 ऊपर हो गई है, अभी 8:30 ऊपर हो गई है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एक्चुअली क्या, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, वॉक भी क्या करूँगी। मोस्टली है ना, जब भी कभी खाना खाने में लेट हो जाती हूँ, हम लोग क्या 7 बजे खा लेते हैं, तो जब भी खाना खाने में लेट हो जाती हूँ, हम मैं और चिकू दोनों बाहर वॉक कर लेते हैं, उससे क्या थोड़ा सा सही लगता है, हेवी हेवी नहीं लगता। मुझे क्या पता ये प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा पेट भर के खा लूँ, या फिर थोड़ा मुझे हेवी लगेगा तो नींद ही नहीं आएगी, मुझे वॉक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मेरे को कमर में तो दर्द है, इसी के साथ मुझे पीरियड्स भी है। इसके बारे में बात करना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैं इस बारे में क्या, इसके रिलेटेड मैंने आज तक कभी कुछ बात नहीं की है। तो आज मुझे 2nd डे है, नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता है, पर आज मुझे पेन न पेट में है न पैरों में है, कुछ भी ऐसे पेन नहीं है, मुझे सिर्फ कमर दर्द हो रही है, और कमर बहुत ही ज़्यादा भयंकर दर्द हो रही है। इसी वजह से मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आज, मैं इस वजह से कुछ शॉप पे शूट ही नहीं कर पाई, रही नहीं मैं। जितनी देर मैंने आपसे बात की उतनी देर मैं शॉप पे रही थी, फिर मैं वापस आ गई थी। वापस आके मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, फिर खाना भी मम्मी ने बनाया, खाना भी जस्ट खाया है, मैंने आपको बताया था क्या क्या था। अभी थोड़ी सी तबीयत सही है, ठीक है, यानी थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा और बिगड़ती है, यानी बिगड़नी तो नहीं चाहिए, नींद मुझे आ जानी चाहिए, क्योंकि मुझे अगर मुझे दर्द है और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मुझे नींद आएगी नहीं। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पेन किलर लेने से तो मतलब नहीं है, पेन किलर मैं लेती नहीं हूँ, और चिकू भी पेन किलर लेने के लिए हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए तो गर्म पानी का सेक वगैरह कुछ करके इसका उपाय तो करेंगे, पर जल्दी ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए। अभी मेरी कमर है वो थोड़ी सी ठीक है, थोड़ा सा खड़े होके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने की कोशिश की तो उससे थोड़ा सा फ़र्क आया है। चिकू बोल रहे हैं कि मैं कैमरा साफ़ करता हूँ तो तुम तुम्हारे व्लॉग में ऐड कर लो, तो अब वो सब बताएंगे कैमरे के बारे में क्या क्या काम आता है, क्योंकि मैं पूछता रहा। ये हमारा कैमरा बैग जिससे मैं मेकअप शूट करती हूँ, वो वाला कैमरा है ये। ये हमारा कैमरा, ये गिम्बल की टूल किट, हमारा मोबाइल का स्टैंड, ये है हमारा एक्स्ट्रा माइक, ये हमारा एक्स्ट्रा माइक की केबल, और क्या ये हमारा ब्रश, हमारा एक और लेंस। कैमरे का भी मेकअप करना पड़ता है इसलिए ब्रश की जरूरत रहती है ना। ये हमारा एक और लेंस, लाइटें और स्पीड लाइट,
और ये हमारा पुराना माइक माइक तो बहुत इकट्ठे किए अपन ने। ये हमारा सेल, ये एक्स्ट्रा सेल, ये और एक्स्ट्रा सेल हवा के लिए, लेकिन इसके आगे का मुंह नहीं है। कहाँ गया? घूम गया। और ये फिल्टर, एक फिल्टर और। ये मुझे पता ही नहीं था इस बैग में इतना सारा सामान है, आज देखने मिल रहा है। यूवी फिल्टर, ये स्टिक, एक इमरजेंसी टूल भी रख रखा है, टेस्टर, टेस्टर, कपड़ा जिससे हम लेंस साफ करते, और एक रिमोट जिससे हम रिमोटली फोटो शूट करते। बैग भी काफी गंदा हो गया, एक दिन वॉश कर देंगे। ये हमारा मोबाइल। अब हम क्लीन करेंगे सब चीजों को। सबसे पहले कैमरा, चिकू करते ही रहते हैं क्लीन, यानी इनको ये सब जो भी इनका स्टफ होता है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक, वो क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। थोड़े थोड़े दिनों में करते रहते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे ये पूरी डस्ट हटाएंगे और देखेंगे लास्ट में कितना काला होता है। वाकई आती है चिकू इतनी डस्ट? आती है ना। अगर ये अपन क्लीन नहीं करे तो फिर ये फोटोग्राफी में भी दिक्कत देती होगी। देती है ना। ओ निकली ना यार, ध्यान से करना पड़ता है बहुत। ये काम कंसंट्रेशन से होना चाहिए ना, दिमाग में बहुत सारा काम लेके नहीं कर सकते। नहीं ठीक है। अब कैमरा कैसा दिख रहा है, दिखाओ ना एक बार। बिना मुंडी का, बिना मुंह का। अब इसको पीछे से ऐसा लग रहा है मुंह से आईब्रो हटा दियो। ये सब चीज़ें भी ओपन होती है, मैं तो कभी आपको देखती नहीं हूँ जब आप क्लीन करते थे। पर अच्छा है ना, आपको कैमरे से ऐसे भी बहुत लगाव है, तो उस चीज़ को नीट एंड क्लीन रखो। तो बचपन से लगाव है कैमरे से। और यार सोचा भी नहीं था इतनी डस्ट निकलेगी। अभी कुछ नहीं, अभी और निकलेगी। आगे फिल्टर लगा रखा है। ये फिल्टर कलर मस्त है, फिल्टर का गोल्डन क्रिस्टल क्लियर है। एकदम क्लियर। ये आगे जो आपने लगाया ना, उससे कैमरा हैंडसम दिख रहा है। हे बड़े कैमरे, अब क्लीन होगी हमारी स्पीड लाइट। फिर बोलती है बेटे अब तुम साइड में हट जाओ, अब मेरा काम है। ये लेंस जैसे इधर, लेंस क्या है वो, गिम्बल जैसे घूमती है फटाक से इधर उधर। वो लगा गया जिस फ्लैश से आप मुझे परेशान करते थे। आप इस स्टिक की हालत देख सकते हैं, कैमरे और लेंसेज में इतना कचरा निकला है। बाकी टिश्यू तो इतना गंदा नहीं हुआ जो बॉडी को साफ किया था उसको। तो बस डालिस कंप्लीट। हमारा कैमरा पैकेज वो कंप्लीट से क्लीन हो गया है, और कैमरास भी क्लीन हो गए हैं, लेंस भी क्लीन हो गए हैं। और इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में।